हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चेतना कुकिंग एंड ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए गुलाब जामुन बिना मावा और खोया के। हम इनको बनाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से इसको बनाएंगे। हम केवल दो तीन चीज़ों से ही हमारे गुलाब जामुन बनकर तैयार हो जाएंगे। एकदम मावा जैसे गुलाब जामुन हमारे बनेंगे ये, और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने 2 कटोरी मिल्क पाउडर लिया है। आप कोई सी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हैं, किसी भी कंपनी का। और देखिए, दोनों कटोरी को मैं एक बाउल में डाल दूंगी। और ये देखिए, मैंने मैदा लिए 1 कटोरी से थोड़ा सा कम लिए मैंने मैदा, वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। और इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे तो हमारे गुलाब जामुन एकदम बढ़िया हमारे परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएंगे। देखिए, थोड़ा सा मैं इसमें बेकिंग पाउडर डालूंगी, बेकिंग सोडा नहीं डालना है, बेकिंग पाउडर डालूंगी मैं थोड़ा सा इसमें। और देखिए, मैंने ये इसमें थोड़ा सा मैं घी डालूंगी, 2 चम्मच मैंने इसमें घी डाला है। आप ऐसे ही डालिए तो एकदम परफेक्ट हमारे गुलाब जामुन बनकर तैयार हो जाएंगे। इसमें बेकिंग पाउडर डाला है मैंने, बेकिंग सोडा का यूज़ नहीं करना है इसमें। और देखिए, मैंने ये दूध लिया है 1 कटोरी, इसको थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें दूध डालेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। हमें इसका एक डो तैयार करना है। देखिए, थोड़ा थोड़ा करके ही डालिए, इकट्ठा नहीं डालिए, नहीं तो ये एकदम से गीला हो जाएगा। देखिए, जैसे मैं लगा रही हूँ आप वैसे ही लगाइए, थोड़ा सा चिपकेगा शुरुआत में, फिर एकदम से बढ़िया डो इसका बनकर तैयार हो जाएगा। एकदम टाइट भी नहीं, टाइट आटा नहीं लगाना है एकदम से, और एकदम सॉफ्ट हमें डो तैयार करना है इसका लगा के। देखिए, जैसे मैंने लगाया एकदम से, ऐसे ही आप बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट हमारे गुलाब जामुन बनेंगे। देखिए, सबसे पहले अब हम चाशनी बना लेते हैं इसकी। देखिए, मैंने 1 कटोरी इसमें चीनी डाल दी है, मैं 2 कटोरी चीनी डालूंगी इसमें। आप जितने मीठा खाना चाहते हो उतनी चाशनी बना सकते हैं। 1 कटोरी पानी डाल दूंगी इसमें, मैं भगोने में बना रही हूँ चाशनी को, और इसको लगातार हम चलाते रहेंगे जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता और हमारी चीनी घुल नहीं जाती पानी में। तब तक हम इसको लगातार चलाएँगे। और एकदम से देखिए, घुल गई है हमारी चीनी और उबाल भी आ गया है। अब इसको हम छोड़ देते हैं, हमारी चाशनी बनेगी। देखिए, थोड़ा सा मैं इसमें इलायची पाउडर डालूंगी, मैंने 2-3 इलायची कूट के इसमें डाल दी है। थोड़ी सी मैं इसमें केसर डालूंगी, ज़्यादा केसर नहीं डालनी, इससे कलर और स्वाद बहुत अच्छा आता है केसर से। अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप इलायची पाउडर भी खाली डाल सकते हैं इसमें। और देखिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हमें चिपचिपी चाशनी बनानी है इसकी, एक तार की, ज़्यादा गाढ़ी चाशनी हमें नहीं बनानी है, केवल एक तार की हमें चाशनी बनानी है इसके लिए। और देखिए, हमारी चाशनी चेक कर लेते हैं हम, एकदम चिपचिपी और एक तार वाली चाशनी हमारी बनकर तैयार हो गई है। देखिए, आप थोड़ा सा मिक्स कर देंगे हम इसको, और देखिए हम अपना डो भी देख लेते हैं। एकदम परफेक्ट हमारा डो देखिए तैयार हो गया है बनकर। अब इसकी हम छोटी देखिए लोइयाँ बनाएंगे। थोड़ा सा मैंने घी लगा लिया हाथ पर। आप जितना बड़ा गुलाब जामुन बनाना चाहते हैं उतने आप लोई ले लीजिए, तो एकदम बढ़िया हमारे गुलाब जामुन बनकर तैयार होंगे। मैं सारी लोइयाँ ऐसी बना के रख लूँगी, देखिए गुलाब जामुन की, और अच्छे से इनको गोल गोल बनाइए। एकदम चिकने हमें गोले बना के तैयार करने हैं इसके, बिल्कुल भी क्रैक नहीं होना चाहिए गुलाब जामुन में, नहीं तो इसमें ये फूट जाएगा और इसमें ऑयल भर जाएगा। इसीलिए हमें एकदम चिकने चिकने सारे बना के हम रख लेंगे एक साइज़ के। देखिए, जैसे आप बनाना चाहते हैं वैसे आप इसके गोल भी बना सकते हैं, और लंबे भी गुलाब जामुन इसके बना के आप खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बिना खोया और मावा के हमारे गुलाब जामुन परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएंगे। अगर आपका मीठा खाने का मन है तो आप इसको कभी भी घर पर बना के खा सकते हैं, और त्यौहार हैं तो आप इसको बना सकते हैं। अगर आपके पास खोया नहीं है तब भी आप बना के खा सकते हैं, इन गुलाब जामुन को बहुत ही अच्छे बनते हैं। देखिए, हम सारे बना के रख लेंगे। देखिए, मैंने बना बना के रख लिए 1 प्लेट में, ऐसे ही आप बना के सारे रख लीजिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर, और एकदम से हम बना के रख लेंगे सारे तो हमें सेकने में आसानी होगी और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ये बहुत ही आसान है बनाना, बहुत ही कम टाइम में ये बनकर तैयार हो जाएंगे। ये गुलाब जामुन खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और अंदर से भी एकदम से जूसी बनते हैं ये गुलाब जामुन। एक बार आप ज़रूर बनाइए, आप बनाएंगे तो सबको बहुत पसंद आएंगे। देखिए, जैसे मैं बना के रख रही हूँ सारे बना के रख लीजिए तो आपको सेकने में आसानी होगी और बहुत ही अच्छे और जल्दी हमारे गुलाब जामुन बनकर तैयार हो जाएंगे। देखिए, मैं सारे एक एक करके बना के रख रही हूँ इसमें। आप वैसे ही जितने चाहें उतने बना के रख लीजिए एक बार में, फिर थोड़ा सा
थोड़ा सा हाथ में गोल गोल करके और कढ़ाई में डाल दीजिए। ये सारे बना के रख लेंगे हम। ये बहुत ही अच्छे बनते हैं गुलाब जामुन। आप झटपट से इनको घर पर बना सकते हैं। अगर आपके घर पर कोई मेहमान आया है तो आप इसको जल्दी से बना के खिला सकते हैं। देखिए मैंने एक कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है। आप देखिए देसी घी में भी बना सकते हैं, रिफाइंड या डालडा में भी बना सकते हैं। देखिए मैंने एक डाल लिया चेक करने के लिए कि ये फूट रहा है या नहीं फूट रहा, एकदम बढ़िया बना है हमारा कि नहीं। देखिए हमारा वो भी अच्छे से सिक गया है, हमने एक डाला था टेस्ट करने के लिए। और सारे हम इसमें एक एक करके डाल देंगे और आप देखिए जितने चाहें उतना डाल सकते हैं। जितना आप ऑयल लगाएंगे उतने इसमें पड़ जाएंगे एक साथ में अच्छे से। देखिए मैं सारे डाल दूंगी एक साथ में ही और अच्छे से इनको हम सेकेंगे। हमें गोल्डन ब्राउन होने तक इनको सेकना है और जितने अच्छे हमारे सेकेंगे एकदम बढ़िया गुलाब जामुन बनकर तैयार होंगे। देखिए पलट पलट कर, हमें एकदम से पलटना नहीं है। देखिए हम ऐसे कचली से थोड़ा ऊपर ऊपर से करेंगे और एकदम से चारों तरफ से हमारे अच्छे से गुलाब जामुन सिक जाएंगे। और हमें ज़्यादा डार्क भी नहीं करने हैं ये, नहीं तो एकदम जले जले से लगेंगे हमारे गुलाब जामुन। देखिए गोल्डन ब्राउनी हमें सेकना है इन गुलाब जामुन को, तभी हमारे अच्छे गुलाब जामुन बनकर तैयार होंगे। आप ऐसे बनाएंगे तो सबको बहुत पसंद आएंगे, एक बार बनाकर ज़रूर देखिए। ये इंस्टेंट बनने वाले गुलाब जामुन है, घर पर आसानी से बना सकते हैं आप। मीठा खाने का मन कर रहा है तो आपको ये झटपट से बनाइए और इनको खाइए, और बच्चों को बहुत पसंद आएंगे ये गुलाब जामुन, एक बार ज़रूर बना के देखिए। देखिए हमारे गुलाब जामुन सिक गए हैं। मैंने थोड़ा सा हिला हिला के इनको अलट पलट करके सेक लिया अच्छे से। देखिए कलर भी कितना अच्छा है हमारे गुलाब जामुन का। अब इनको हम निकालेंगे, थोड़ा सा और सेक लेते हैं, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे कढ़ाई से। और हमारी चाशनी भी बनकर तैयार हो गई है, वो मैंने गैस बंद कर दी है चाशनी वाली और हमने चाशनी निकाल ली है। देखिए हम इनको निकालेंगे तुरंत ही, इसमें जाली वाली कछली से निकाल के प्लेट में रख लीजिए और तुरंत ही हम इसमें अपनी चाशनी में डाल देंगे इन गुलाब जामुन को। चाशनी थोड़ी सी गुनगुनी होनी चाहिए, ठंडी अगर हो गई आपकी चाशनी तो थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। इसको देखिए हम ढक के रखा है हमने गुलाब जामुन को अपने, हमें एक दो घंटे चाशनी में ही पड़े रहने देना है, तभी हमारी एकदम बढ़िया गुलाब जामुन बनकर तैयार होंगे। देखिए कितना अच्छा बना है हमारा गुलाब जामुन, मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा बना है हमारा गुलाब जामुन, अंदर से भी कितना अच्छा है। ऐसे ही आप बनाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी दबाएं। अगली वीडियो में मिलूंगी मैं नई रेसिपी के साथ।